हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 का। देखो इसमें क्या कहते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट के बारे में आपको पता है पहले से ही क्या है, जो काउंटेबल होते हैं, और इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, जिसमें हम सोचते हैं कि इन्फिनिटी तक जाती है ना रिजल्ट, वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, इसके लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो बेसिक हमने इस एक्सरसाइज का किया था वो जरूर कर लेना, तभी ये बहुत ईजी लगेंगे आपको, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, कहता है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है, जो सेट ऑफ लाइंस हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब देखो ये हमें पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा एक्स होता है और ये वाला हमारा क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। तो एक्स के पैरेलल जो लाइंस होंगी वो हमें देखनी है कि फाइनाइट होती हैं या इनफाइनाइट बनेंगी, ठीक है। तो देखो जरा, एक्स के पैरेलल एक ये लाइन बन गई, देख लो एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ भी बन गई, यहाँ भी बन सकती है, और बना दो आप जितनी मर्जी आप बना सकते हो, ठीक है, इसकी कोई लिमिट थोड़ी है। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो आप कितनी भी लाइंस बना सकते हो। तो ये कैसा है आपके पास, इनफाइनाइट है। क्या आएगा यहाँ पर, ये इनफाइनाइट आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है, इनफाइनाइट है, जिसमें काउंट ही नहीं कर सकते आप कितनी नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हो आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बहुत सारी बन सकती हैं, तो वो काउंटेबल तो है नहीं, तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, क्या कहते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो सेट ऑफ लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट का अगर हम बनाएंगे तो हमें पता है, अगर हम बनाएं इसके अंदर तो हमें पता है कहाँ से शुरू होगा, वो बताओ, ए बी, कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिख दो, नहीं तो स्मॉल में लिख दो, ठीक है। तो ये ए बी सी डी एंड अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये जेड तक जाएगा, ये हमें पता है। तो हमें इसमें पता है ना कि जेड तक जाएंगे, और इसमें हम काउंट कर सकते हैं, ये टोटल कितने बनते हैं हमारे पास, 26 जो हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर यही बात बोल रहा है वो, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है हमारा, 26 है, उनमें जो लेटर्स होते हैं वही होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है, ठीक है। तो 26 होते हैं, तो यानी कि हम इसमें काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारा फाइनाइट बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है, क्योंकि काउंट हो सकते हैं, हमें पता है इसमें कितने होते हैं, 26 होते हैं, क्लियर। उसके बाद देखो थर्ड पार्ट में क्या कहता है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो 5 के मल्टीपल का मतलब क्या है कि 5 का टेबल, 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, सो ऑन, ये तो चलते रहेगा, ये खत्म थोड़ी होगा। आप कहीं कमेंट में आ रहा होगा, नहीं नहीं हमने तो पढ़ा है 5, 10, 50 यहीं तक होते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अब 50 के बाद क्या होगा, देखो 50 के बाद 55 भी तो होगा, वो अलग वाला टेबल हम 10 तक करते हैं, लेकिन 55 भी होगा, 60 भी होगा, 65 भी होगा, एंड सो ऑन चलते रहेंगे 5 के मल्टीपल, तो या नहीं, तो यानी कि ये भी काउंट नहीं हो सकते, ये भी कैसा होगा आपके पास, इनफाइनाइट होगा। कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है, यानी कि यहाँ भी हम इसको काउंट नहीं कर सकते, क्लियर। उसके बाद देखो जरा, फॉर द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो जो सेट ऑफ एनिमल्स है ना लिविंग ऑन द अर्थ की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लगता है सुनने में तो कि अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, लेकिन अर्थ के जो स्पीसीज है ना, मतलब जो हम बात करते हैं यहाँ पर एनिमल्स के लिविंग, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ की, ठीक है, तो ये लगभग 8.7 मिलियन स्पीसीज है जो हम, मतलब लगभग के आसपास, मतलब काउंटेबल तो हो गया। अब मान लो है चाहिए अरबों खरबों में, ठीक है ना, लेकिन काउंटेबल तो है ना, एक नंबर तो है हमारे पास, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको काउंट कर सकते हैं जो एनिमल्स हैं हमारे पास अर्थ पर लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है ना, तो यानी कि ये क्या है, काउंटेबल है, तो हम यहाँ पर फाइनाइट लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए इस पर्टिकुलर केस में, नहीं तो बच्चे इसमें इनफाइनाइट लिख देते हैं कि ऐसे तो पता नहीं कितने होंगे एनिमल्स, कि हम काउंट कैसे करेंगे, लेकिन वो स्पीसीज तो पता ही है ना अर्थ पे कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया लगभग इतनी होती हैं, ठीक है। फिफ्थ की बात करें हम पार्ट की, इसमें क्या कहते हैं, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन 0.0। देखो ओरिजन तो आप सभी को पता ही है, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, ये ओरिजन होता है, तो 0.0 ये ओरिजन हो गया, ठीक है। अब देखो सर्कल की बात करें, तो सर्कल इससे पास करता हुआ एक ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है, और ऐसे बन जाएंगे, और ऐसे बन जाएंगे सर्कल, तो ठीक है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करते हुए तो बहुत बन सकते हैं, है ना, तो यानी कि इनफाइनाइट होंगे ये भी, हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, कितने मर्जी बना दो, छोटे बना दो, फिर बड़े बना दो, ऐसे करते करते पता नहीं कितने बन जाएंगे सर्कल, तो ठीक है, जो इस पॉइंट से पास करेंगे, तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, इसका इनफाइनाइट लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में अगर आपको पता है, बेसिक नॉलेज है कि होते क्या हैं, तो बस फिर तो आपके लिए बहुत ही क्या हो जाते हैं, ये ईजी हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो मेन कहानी क्या है आपके पास, आपको बेसिक फंडे जो हैं वो पता होने चाहिए, बस मेन तो यही है, समझ रहे हो।
तो अगर बेसिक फंडा हमारा क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये करो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ करते हैं, क्लियर? ओके जी, थैंक यू।